नमस्कार, मैं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार के पुराने वार्ड सचिव जो कि लगभग 6 माह से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठकर सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर उन्हें फिर से कार्यरत किया जाए और उनका जो बकाया मानदेय है उसको तुरंत से तुरंत दिया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा पुराने वार्ड सचिवों को नकारा जा रहा है, तो वार्ड सचिवों को लेकर आज इस वीडियो में ताजा अपडेट मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वार्ड सचिव लगभग 186 दिन से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और इन 186 दिनों के बीच सरकार के द्वारा क्या संज्ञान लिया गया है, किन किन प्रक्रियाओं से वार्ड सचिवों को गुजरना पड़ा है, वर्तमान में वार्ड सचिवों के लिए क्या नया अपडेट है, इन सब की जानकारी वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष बेगूसराय के बैद्यनाथ शाह के द्वारा फोन कॉल के माध्यम से दिया गया है, जो कि मैं आप सभी को सुना रहा। हेलो। हाँ सर। मेरा कहने का मतलब है जी, आप ही नियम बनाते हैं और आप ही नियम को जो है ताक पर रखते हैं, आप हमसे बात कीजिएगा ना जी। जी, बात क्यों नहीं करते, आप हमसे बात कीजिए, आमने सामने वार्ता करने का टाइम फिक्स कीजिए और रीजन हम बताएंगे कि हम क्यों गर्दनी बाग में बैठे। इतना दिन से आप लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और बीच में ये नीतीश बाबू वार्ता करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार समय नहीं दे रहा। और पंचायती राज मंत्री जी का कहना है कि ये आपका काम नीतीश कुमार जी ही करें। अच्छा, पंचायती राज मंत्री जी नीतीश कुमार पर थोप रहे हैं। हाँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम लोग इतना तो बुद्धू नहीं है। आपके विभागीय काम है, आपके विभाग का है, आप उस विभाग के सर्वे सर्वा है, तो आप रिकमेंड कीजिएगा ना नीतीश कुमार को। हमें सचिवों की आवश्यकता है, आप तो कर नहीं रहे हैं। जो लेटर जारी किया कि नए वार्ड सचिव जल्द से जल्द उनका चुनाव किया जाए, उनको कार्यरत किया जाए, तो फिर पुराने वार्ड सचिव को नकारा जा रहा है। नहीं नकारा जा रहा है, तो जब नकारा जा रहा है तो फिर जो पटना गर्दनी बाग में जो वार्ड सचिव बैठे हुए हैं, तो इसको लेके क्या उम्मीद है कि सरकार संज्ञान ले? एकदम लेगी। अब रीजन बताते, जितना भी मेरे पास लेटर था वो चाहे पंचायती राज मंत्री का हो, पंचायती राज मंत्रालय का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, राज्यपाल का हो, मुख्यमंत्री सचिवालय का हो, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हो, वो 7 लेटर जो है हम सब जगह से लेटर आया था, सब जगह यही लिखा हुआ था उचित कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग बिहार को भेजा जा रहा है, मैंने भेज दिया गया है। जब वो लेटर आया तो हम उस पर कार्रवाई करना शुरू किए। जो भाई आपके पास जो केस नंबर इतना, डायरी नंबर ये, पत्रांक दिनांक इतना का जो आपके पास लेटर आया, उस पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया है या क्रिया प्रतिक्रिया अधीन है, क्या है, इसको लिखित रूप में जानकारी देने का काम करें। ठीक है ना, जब हमने 7 लेटर वहां पर डिस्पैच किया आरटीआई के तहत, तो आरटीआई का जवाब नहीं दिया। जब आरटीआई का जवाब नहीं दिया तो हमने प्रथम अपील लगाया। जब प्रथम अपील सब डाल दिए तब जाकर के विभाग बौखलाया, तब
विभाग जो है हमको बुलाया जी, पंचायती राज विभाग से बुलावा आया फोन के माध्यम से जी जी, आप आइए और हमसे मिलिए। तो हम वहाँ गए, बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने 10 से 12 दिन का समय लिया जी। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे अंदर की बात नहीं है, ये ऊपर की बात है, हम आपके मैटर को, आपके लेटर को हम उच्च अधिकारी के पास इसको ट्रांसफर कर देंगे और वहां से जो जवाब आएगा वो आपको दिया जाएगा। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है जो कि मेरे पास प्रूफ ऑलरेडी आ चुका है, उन्होंने भेज दिया। अभी धरना प्रदर्शन कितना दिन हो गया सर? धरना प्रदर्शन लगभग 86-87 दिन तो ही गया, 186 माने 6 महीना 2 तारीख को पूरा हुआ था जी। अब 80 दिन 2 तारीख को हुआ था, 8 तारीख हो गया, 6 दिन माने 86 दिन हुआ। तो अभी क्या लगता है, कब तक धरना चलेगा? देखिए धरना अभी चलेगा जी, धरना तो टूटेगा नहीं, और हम लोग का इधर कागजी कार्रवाई भी चल रही है और हम लोग नेता मंत्री विधायक से मिलने का भी काम कर रहे हैं, सब जगह से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। लेकिन जो लिखित रूप में कागजी कार्रवाई जो हुआ है उसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निकल के आएगा ही आएगा जी, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में भेजा जी उचित कार्रवाई हेतु, और ये क्या किया है पंचायती राज विभाग के निदेशक को भेजा है। अच्छा, बिहार राज्य मानव आयोग जी, और उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि ये इसका जल्द से जल्द निपटान किया जाए। ये कब भेजा गया सर? ये देखना होगा, लगभग लगभग 1 महीना, नहीं 1 महीना तो नहीं हुआ है, हाँ 1 महीना हो गया। हाँ वही, मतलब मई में भेजा गया है लगभग। हाँ अच्छा, तो इसको लेके अभी मतलब अभी जो कल जो लेटर आया पंचायती राज विभाग से जी, हमने आपके लेटर को ट्रांसफर किया हाँ। तो उसमें स्पष्ट शब्दों में नीचे लिख दिया है जी, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अच्छा अच्छा, देखिए पॉइंट, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तो कुछ न कुछ तो कुल्लू निकल के आएगा ना जी। वो लेटर का कॉपी होगा सर आपके पास? लेटर का कॉपी अभी नहीं देंगे। अच्छा अच्छा ठीक, ये 11 के बाद हम डिस्पैच करेंगे। अच्छा अच्छा, इसलिए कि सारे सारे बिहार के सचिव को पता था कि बैद्यनाथ जी को जो है पंचायती राज विभाग बुलाया गया था, उन्होंने जो है ऐसा ऐसा बोला, और सब जो है दिग्भ्रमित था कि ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मैंने सब के इधर कुछ न कुछ निकल के आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे बैद्यनाथ जी जो है सबको बरगला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब कल शाम में लेटर आया, वो लेटर को हमने नहीं डाला है, सिर्फ लिफाफा का डेट सहित डाल दिया है। अच्छा, और उसमें यही लिखा है कि हम लोग का मामला जो है सकारात्मक है बस। अब सब फोन करके मांग रहा है लेटर, हम कह रहे हैं धरातल पर आओ तब जाके लेटर मिलेगा, कारण कि धरना पर आदमी तो कम आ रहा है, घर बैठे जो तुम टोप छोड़ रहा है तो धरातल पर आओ ना, सब कुछ देंगे, लोग पहुंच रहा है। हाँ सब कुछ देंगे वहाँ जी। 11 तारीख को बैठा था, आज तो 8 हो ही गया। 11 को पटना में बैठा था? हाँ जी, गरीबाग
गर्दनी बाग। चलिए